काली कलकत्ते वाली। तो आज के वीडियो में हम लोग दर्शन करेंगे कोलकाता में स्थित काली घाट का, ठीक है। तो आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा कि ये मंदिर क्या है, कैसा है, क्यों बना, क्या है, कब से है, हर चीज आपको वीडियो बताऊंगा। और तो और इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखेंगे कि आपको वो वीडियो देख के आपकी रूह तक कांप जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको काली घाट के बस स्टैंड में वहां पर उतरना है, बस स्टैंड से उतर के आपको सीधा इधर जाना है और फिर यहां से लेफ्ट। तो चलो चलते हैं आगे। तो मंदिर के बाहर ऐसी बहुत सारी जगह है, शॉप्स में आप अपने जूते चप्पल रख सकते हो। और यहाँ पे जैसे पीछे में प्रसाद वगैरह मिलता है तो यहाँ पे आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हो। तो आपको मैं एक बार बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो इन सब जगह पे आप अपने चप्पल और जूते रख सकते हो और यहाँ से प्रसाद लेके आप मंदिर के अंदर जा सकते हो, जहाँ पे आपको जाके दर्शन करना है। और तो और ये मंदिर जो है ना, ये बहुत ही रहस्यमय मंदिर है, ये बहुत पुराने टाइम से है यहाँ पे, ठीक है। और जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है वो इसका मेन एंट्रेंस है, यहीं से घुसकर दर्शन होता है। तो ये मंदिर के अंदर जाने का मेन एंट्रेंस है और यहाँ से आप अंदर घुसोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ से आप जाके अंदर दर्शन कर सकते हो। लाइन बहुत लंबी होती है, लेकिन बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लंबी होती है, आप लोग देख सकते हो। ये पीछे की तरफ से दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए आपको कम भीड़ दिख रहा है। और सिक्योरिटी भी है भाई बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए ना बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगती है, ठीक है। अभी भी हम लोग लाइन में ही खड़े हैं, आधे घंटे हो गए हम लोग को। देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बाप रे बहुत। तो इस मंदिर में आपको ना ऐसे ऐसे चीज़ दिखेंगे जिसको देख के आपका रूह कांप जाएगा। तो ये जितना आपको दिख रहा है ना, ये सब पूरा खून है, पूरा का पूरा खून। इतनी लंबी लाइन है यहाँ पे ना, वो चीज़ भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखो अभी एक बार बैक कैमरा। लाइन तो आगे चली नहीं रही है, बहुत देर से ही पे लाइन खड़ी है। और ये साइड में जो मंदिर है वो आपको देख लो, जो इसमें भी बहुत सारे लोग दर्शन करते हैं। तो माता काली का जो 51 शक्तिपीठ है, उनमें से एक शक्तिपीठ ये है जहाँ पे आज हम लोग आपको दर्शन कराएंगे। तो फाइनली 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 हम लोग अंदर आ गए। अब यहाँ पे अपन रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते, तो मैं फिर भी थोड़े से नीचे छुपा के रिकॉर्डिंग करूँ, लेकिन मैं एग्जैक्टली स्टैचू का रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो पूरे अंदर का सीन है और इतनी ज़्यादा भीड़ है ना मत पूछो। अब थोड़ा सा लाइन में आ गया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया ऐसा सीन है। इसे टर्न होकर जाके आप पहुँच जाओगे तो आपको सामने से दर्शन होगा, और ये सेकंड वाली लाइन में आओगे तो वही आपको मेन लाइन का एंट्रेंस दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये रही काली माता की मूर्ति, जिसको हम लोग देखने के लिए इतने देर से लाइन में वेट कर रहे थे। तो फाइनली हम लोग दर्शन करके अंदर से आ गए। अंदर में फोटोग्राफ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ पे अलाउड था वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। तो चलो, और यहाँ पे ऐसा भी मानना है कि अगर आप यहाँ पे काली माँ के आंखों का दर्शन कर लेते हो, उनकी आंखों में देख लेते हो, तो आपकी जो भी मांगी हुई मन्नत है ना, जो आप उनकी आंखों में देखते समय मांगोगे, वो मन्नत पूरी हो जाती है, ठीक है। और मंदिर देखना चाहते हो तो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है मंदिर। तो शक्तिपीठ होता क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। तो दुर्गा माता के बॉडी के टोटल 51 पीसेस हो गए थे, जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कोने में है, ठीक है। तो वो जो हर एक कोना है ना, उसको शक्तिपीठ बोलते हैं। मैं आपको पूरा अच्छे से घुमा के एक बार दिखाता हूँ कि मंदिर कैसा है। ये ऊपर का स्टैचू जो आपको पिछले क्लिप में मैं दिखाया, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये लाइन है, ये लाइन में भी दो चार बार आपको घूम के जाना पड़ता है। और ऐसे अगर आप इसमें सीधे जाते जाओगे तो सीढ़ी चढ़ के आपको दिख रहा है ना, उसके लेफ्ट साइड में आप घुसोगे तो एंट्रेंस है वहाँ, जहाँ पर आपको दर्शन होगा। तो ये जो मेरे पीछे आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे बलि चढ़ता है बकरे का, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, भी यहाँ पे बकरे को बलि चढ़ाने से पहले उसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। और ये जो साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे उसके गले को फंसा के बलि दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने भी यहाँ थोड़ा सा पूजा कर लिया, और फिर अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि जो बकरे का बलि दिया जाता है उसको यहाँ पर इस तरीके से काटा जाता है और काट के धोया जाता है इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, लेकिन हम लोगों ने परमिशन लेकर रिकॉर्डिंग अलाउड किया है, तो आप लोग इस चीज़ को गलत मत समझना, ठीक है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, बकायदा परमिशन लेने के बाद हम लोगों ने ये चीज़ को रिकॉर्ड करा है, ठीक है, नो हेट। तो जो लोग ये वीडियो को आप यहाँ तक देख ले ना, उनको मैं एक बात बताता हूँ, मेरा पर्सनल बात। तो मैं यहाँ पे क्यों आया था पता है आपको? क्योंकि मेरा भी वो था एक वॉच टाइम और मोनेटाइजेशन उन्होंने का होता है ना, तो मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, इसके लिए मैं यहाँ पे आया था आज काली घाट में दर्शन करने के, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। पसंद आया चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलो अपन मिलते हैं ऐसे किसी के लिए।